अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी कोकोनट लड्डू बनाने की रेसिपी। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये जरूर पसंद आएगी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बॉल ग्रेटेड कोकोनट लिया है, एक बॉल मिल्क पाउडर है, 6 टेबल स्पून शक्कर है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो। एक कप दूध लिया है मैंने, थोड़े से बादाम है ये, इसको भी मैंने बारीक कट करके रखा है। 2 टेबल स्पून घी है, 2 से 3 इलायची है, इसको मैंने क्रश करके रखा है थोड़ा सा। अभी मैं इसमें दूध डालूंगी, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी घी, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं ऐड करूंगी मिल्क पाउडर, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर, मैं इसमें ऐड करूंगी शक्कर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे हम। अभी कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे हम, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। फ्लेम को लो रखें, मैं इसको अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी। अभी अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी रसबेरी फूड कलर, ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से ठीक है। अभी ये पैन से अलग हो रहा है, अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। देखिए कोकोनट लड्डू बिल्कुल रेडी है। अब चिल्ड्रंस डे स्पेशल में आज मैंने कोकोनट लड्डू बनाए हैं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।